फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा आपका शामो कुकिंग में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है क्रिस्पी करेला। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है 300 ग्राम करेला, जो हमने अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको गोल गोल काट लिया। आप मनचाही शेप काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। उसके बाद हमने नमक लगा के इसको 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद धो के इसका पानी निकाल के निचोड़ के लिया है। इसके बाद हमने लिया है 3 बड़े प्याज और 4 हरी मिर्चें, 4 हमने लहसुन के दाने लिए हैं और 1 इंच अदरक का पीस लिया है। सूखे मसालों में हमने लिया 1 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्च ले सकते हैं, मैंने 1/2 चम्मच लिया है। और 1 चम्मच इसमें लिया है मैंने अमचूर पाउडर, क्योंकि अभी आम का सीज़न शुरू नहीं हुआ है तो हमें अमचूर पाउडर यूज़ कर रहे हैं। अगर आम मिले तो आम का यूज़ कर सकते हैं, उससे अच्छा टेस्ट आता है। और हमने लिया 1 चम्मच हल्दी और इसमें लिया है 1/4 हमने लिया है हींग, क्योंकि ये थोड़ा हैवी हो जाता है तो इसके लिए हींग डालना ज़रूरी होता है। और इसके बाद हमने लिए हैं साबुत मसाले लक्सी, इसमें 1/2 टीस्पून हमने सौंफ लिए हैं, 1/2 टीस्पून इसमें साबुत धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून इसमें मेथी दाना लिया है। रेसिपी तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने कढ़ाई में लिया है 5-6 चम्मच ऑयल, वो भी हम सरसों का यूज़ कर रहे हैं, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ना करेले को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जिससे इस पर क्रंची टेस्ट आए और क्रिस्पी बने। तो पहले करेले को हम फ्राई कर लेते हैं तेल गरम हो जाने के बाद। फ्रेंड्स, हमने करेला डाल दिया है, अब इसको हमें थोड़ा क्रिस्पी होने तक भूनना है। ये हमें थोड़ा हाई फ्लेम पे ही भूनना होगा, जल्दी जल्दी करके। फ्रेंड्स, एक तो हमने इस पे नमक डाला था जिससे कड़वापन दूर हो जाए उसका, और एक हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने से जो कुछ भी बचा होगा थोड़ा बहुत, वो फ्राई करने से बिल्कुल ही निकल जाएगा कड़वापन। फ्रेंड्स, ये करारा हो चुका है हल्का, हमें ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अब जिस समय हम रेसिपी तैयार करेंगे उस समय भी ये पकेगा थोड़ी देर के लिए, तो अभी उसको उतार लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने फिर दोबारा से कढ़ाई में तेल डाला है 3-4 चम्मच। अब इसके बाद हम डालेंगे सूखे खड़े मसाले। वहाँ उठने लगा है, अब हम इसमें अपना धनिया, मेथी दाना, जीरा और सौंफ डालेंगे। और गैस को हमने कम रखा है, अब डालेंगे हम अपनी कटी हुई प्याज जो हमने स्लाइस करके ली है। फ्रेंड्स, मुझे प्याज बहुत पसंद है करेले में, मुझे ज़्यादा प्याज ज़्यादा करेला पसंद है। अगर आपको ज़्यादा प्याज नहीं अच्छा लगता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कम ले सकते हैं। इसको हमें थोड़ा सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है इसे। इसमें साथ में हम लहसुन को हमने काटा है, मतलब ज़्यादा पतला रहता है। इसके बाद हमने लहसुन को लिया है कट करके, अदरक को लिया है और अपनी हरी मिर्च, इन सबको भूनना है। अब हल्का सा ये सोते हो जाए, बस ज़्यादा नहीं भूनना है। अपने सारे सूखे मसाले डालेंगे इसमें, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, अमचूर, नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और मिर्ची भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, धनिया पाउडर और ये चीनी। फ्रेंड्स, अब इसको चलाएंगे। फ्रेंड्स, नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे करेलों के साथ थोड़ा सा मिर्ची स्पाइसी सी अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, देखिए मसाला कितना अच्छा बना है, बस 1 मिनट इसको भूनना है थोड़ा सा, फिर हम इसमें अपना फ्राई किया करेला डालेंगे।
फ्रेंड्स लास्ट में डालेंगे हम इसमें अमचूर। अब डालेंगे हम इसमें अपने फ्राई किए हुए करेले। फ्रेंड्स इसे चलाने के बाद केवल हमें 5 मिनट तक इसको पकाना है। ये करेले हमारे तैयार हो जाएंगे क्योंकि वो पहले से ही पक चुके हैं फ्राई करने के बाद। इसे हम ढक के बनाएंगे। फ्रेंड्स अब चला के देखते हैं कैसा है हमारा करेला। ये लगभग पक ही गया है। 1 मिनट और रखेंगे बस, फिर हम इसको गैस को बंद करेंगे। फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं अब कैसा हो रहा है करेला हमारा। वैसे तो पक ही गया है लगभग, बस 1 मिनट और पकाना है इसको, फिर ये तैयार हो जाएगा। देख लेते हैं कैसा बना है। फ्रेंड्स ये तैयार हो चुका है, अभी से हम केक में निकालेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा करेला बनके तैयार हो गया है। इसको चाहे आप पराठे से खाएं, रोटी से खाएं, दोनों के साथ ही अच्छा लगता है ये तो। मुझे तो पर्सनली करेला बहुत पसंद है, मैं तो बहुत लाइक करती हूँ। फ्रेंड्स ये है हमारी फाइनल रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।